लेकर यामी गौतम काफ़ी ज़्यादा भड़की है। शायद आपको ये सुनकर गुस्सा भी आए। वाकई में यामी गौतम ने ट्वीट करके क्यों कहा इस तरह से, आप ज़रा जानिए। दरअसल उनके लिए ट्वीट में उन्हें डेड गर्लफ्रेंड तक कह दिया गया। बहुत ही ज़्यादा फिल्म 10वीं में उनके पुलिस वाले किरदार को निचले स्तर पर रेटिंग मिली, रिव्यू मिले, काफ़ी उनकी आलोचना की गई उनके अभिनय की, जिससे यामी गौतम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आमतौर पर आलोचना को मैं विकास के तौर पर लेती हूँ, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार मुझे नीचे गिराने की कोशिश करे, उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। फिल्म कंपेनियन की बात की जाए, 10वीं को लेकर लिखा गया, 10वीं सैनिटाइज्ड एडम सैंडलर कॉमेडी गलत गई है, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। एडम सैंडलर कॉमेडीज बहुत गलत होते हैं शुरुआत कहने में। इस तरह से जो रेटिंग्स आ रहे हैं, इस पर भी यामी गौतम का गुस्सा निकल आया है। यामी गौतम को बहुत गुस्सा आया। यामी गौतम ने कहा, मेरी फिल्म 10वीं और उनके परफॉर्मेंस के बारे में जो लोग कहते हैं, आज इस बारे में एक बार फिर से कहना चाहूँगी। यामी गौतम ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आया। इस प्रकार से लोगों ने जो कहा है, ये बहुत गलत है। यामी गौतम ने ट्विटर पर कहा कि इस वक्त अगर बात की जाए, अथर्सडे, बाला, उरी एट्सेट्रा फिल्में हैं, आप कैसे एक फिल्म से मुझे रिव्यू देकर एक्सट्रीमली डिसरेस्पेक्ट करते हुए मुझे नीचा दिखा सकते हैं। मेहनत लगती है सालों काम करने में, इसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं और आप लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर आलोचना कर गिरा देते हैं। बहुत दिल टूटता है। फिल्म कंपेनियन नाम के इस रिव्यू देने वाले को बहुत ही ज़्यादा सुनाती हुई नज़र आई है यामी गौतम। यामी गौतम ने ये भी कहा इस पोर्टल को कि बहुत ही बर्दाश्त से बाहर है आपका रिव्यू। एक बार ऐसा था कि फिल्म कंपेनियन भी हमारी तरह ही था अगर बात की जाए, लेकिन आज मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि मेरी परफॉर्मेंस का रिव्यू आप ना करें और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। 10वीं में गंगाराम चौधरी नाम के राजनेता की कहानी दिखाई गई है जो जेल पहुंच जाता है अभिषेक बच्चन लीड रोल में। यामी गौतम फिल्म में ज्योति देसवाल नाम की कड़क पुलिस वाली के रोल में है। फिल्म में निमरत कौर गंगाराम की पत्नी के किरदार में है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सत्य की रिपोर्ट।